टेक टू ड्रोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अभी एक ट्रॉली की मदद से मैं इस वॉशिंग मशीन को सबसे पहले अपना उस टैप के पास लेके जाता हूँ जहाँ पे मुझे इसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो ट्रॉली है, ये आप लोग भी ख़रीद सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न से। इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। और फिर इस ट्रॉली में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है चारों तरफ। तो इस स्टॉपर से इसे मैं फ्लोर के साथ इसे मैं टाइट कर दे रहा हूँ, जिससे कि जब ये वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है वो जब घूमेगा तब ये वॉशिंग मशीन फिक्स रहेगा, क्योंकि इसका नीचे व्हील लगा हुआ है। तो इस तरह से पहले टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इसका जो इनलेट पाइप है उसे आप टैप के साथ इस तरह से आप कनेक्शन कर दीजिए और टैप को ऑन कर दीजिए, और इसका आउटलेट पाइप को भी आप अच्छी तरीके से पोजीशन कर दीजिए। और फिर इसका जो प्लग है उसे आप नज़दीकी स्विच बोर्ड में इसे डाल दीजिए और इसका स्विच आप ऑन कर दीजिए और फिर यहाँ पर आप स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद अब आप सबसे पहले आपको एक काम करना है कि ये जो इसके अंदर एक फ़िल्टर है तो इसे आपको निकाल के पहले एक बार साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब आप कपड़े धोते हैं तो उस वक्त इसके अंदर जितना भी आपका गंदगी है या फिर कपड़े के छोटे मोटे टुकड़े हैं वो यहाँ पे आके वो सब फिल्टर हो जाता है। तो इसे आप निकाल दीजिए, हर बार ये आप कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। और निकालने के बाद आप इसे दोबारा अपनी जगह में फिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप जैसा आपका सेटिंग्स आप करना चाहते हैं कपड़े धोने के लिए, पानी का लेवल, कितने बार आप खंगारेंगे कपड़े को धोने के बाद, ठीक है, कौन से मोड में आप कपड़े धोएंगे, तो इन सब के ऊपर आप जो सेटिंग है वो आप कर लीजिए और उसके बाद आप इसे ऑन कर दीजिए। तो ऑन करने से क्या होगा, यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, हाँ, तो यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पानी का रफ्तार स्लो है क्योंकि प्रेशर थोड़ा कम है इसलिए। तो इसके लिए बाहर से भी पानी डाल सकते हैं आप, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और फिर इस वक्त आप जो आपका सर्फ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसा आपका कपड़ा है उसके हिसाब से सर्फ देने के बाद आप सारे कपड़े को इसमें डाल दीजिए एक एक करके। अब कपड़े डालने के बाद आप बाहर से पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो आप जो लेवल सेट किए हैं तो उस लेवल तक ही आप पानी डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप लेवल 8 पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस लेवल तक ही आप पानी डाल दीजिए। तो बाहर से आप पानी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अपना जो वाटर लेवल है उसी तक, उसके अंदर ही आपको पानी डालना है। और ये आइडिया आपको ये इस्तेमाल करते करते हो जाएगा। और फिर आप मशीन जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से वो कपड़े साफ़ करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो इसे घुमाते रहेगा इस तरह। तो उसे आप छोड़ दीजिए जब तक ये कपड़ा वॉश होता है। तो दोस्तों, जब कपड़ा आपका साफ़ हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से और उसके बाद जब खंगारना भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो एयर ड्राई ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही आप इसका सेटिंग्स कर चुके हैं। तो इसका एयर ड्राई जो ऑप्शन है वो कपड़े को इस तरह से घुमाता है बहुत ज़ोर से, जिससे कि इसका ड्रम के अंदर जितने भी छेद है इसके दीवार के अंदर, तो उससे कपड़े का जितना पानी है वो सब बाहर चला जाता है क्योंकि इतना तेज़ी से ये घुमाता है कपड़े को। तो इस तरह से जो है आपका कपड़ा टोटली वॉश हो जाएगा और वो सूख भी जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह इसका स्पीड है, तो बहुत तेज़ी से ये घुमाता है और कपड़े के अंदर जितना भी पानी है तो लगभग 80% तक पानी ये निकाल देता है, ठीक है, बाकी 20% आपको कपड़े सुखा लेना है, चाहे पंखे में हो या फिर धूप में। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि कपड़े कैसे आप धो सकते हैं वॉशिंग मशीन में। और इस रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और ऐसे ही लेटेस्ट और टेक्निकल वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।